कुछ चमत्कार रात को सपने में आके बोल के गया था कि चल कर उस सुबह चलना है। सच में? सच में आके कहता है गंगा चल रही रखा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सपने में आके? सपने में आके क्या बोला था? बोला बोला चल सुबह उठ के चलना है भाई, कहते मेरे पास पैसे नहीं तो पैसे भी आ गए। फिर दोस्तों हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो के साथ। और ये देखिए दोस्तों अभी आ गए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार, और हरिद्वार के संपूर्ण हरिद्वार के आपको दर्शन दिखाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी देखना। अभी दिखा रहे हैं आपको कि हरिद्वार में कितनी कावड़ चल रही है और सारा विवरण बताएंगे आपके बारे में। तो दोस्तों अभी हम हैं शिवपुल पर, शिवपुल का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। तो यहाँ से चल दिए हैं हर की पौड़ी के लिए, और यहाँ से थोड़ी दूर सामने दिखाई दे रही है हर की पौड़ी स्थल, और जहाँ से पवित्र गंगा जल ले जाते हैं भोले। अभी दिखाते हैं, भीड़ तो कम है लेकिन फिलहाल गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और देखिए कहीं पर भी अभी कोई भोला नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो हर की पौड़ी पर भी जाकर पता लगेगा कि कितने भोले आए हैं। और देखिए पवित्र माँ गंगा के दर्शन करें सबसे पहले, और ये भी लोग लास्ट तक देखना। माँ गंगा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। और यहाँ पर कुछ गरीब गरबा बैठे रहते हैं जो भोजन की तलाश में, और दो चार पैसे मिल जाते हैं इनको। अभी हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये देखो संपूर्ण हर की पौड़ी क्षेत्र के दर्शन करें सबसे पहले तो यहाँ से। जय भोले की, जय शंकर की, हर हर महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। अभी तैयारियाँ चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, और ये पवित्र माँ गंगा के दर्शन करें सबसे पहले। और दोस्तों यहाँ पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये थोड़ा गलत लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर जब पैर पड़ते हैं नहाते धोते हैं तो थोड़ा ठीक नहीं दिखाई देता। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जिसने स्थापित किया उसको सजा मिलेगी। और अभी देख सकते हैं अभी तक कोई भोला नहीं दिखाई दिया, कावड़ चल रही है। रास्ते में कावड़ हमें मिली है घर से जब हम आ रहे थे, और वीडियो हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। देखिए जलस्तर काफ़ी तेज़ बढ़ा हुआ है, फिलहाल ऊपर की पैड़ी तक डूब रहा है। आइए इधर का भी दृश्य दिखा देते हैं। और दोस्तों कावड़ यात्रा के बाद हम इसी तरह आपको दर्शन कराते रहेंगे माँ गंगा के हर की पौड़ी हरिद्वार से। और एक कावड़ दिख गई है हमें, आइए बात करते हैं भोलों से। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों वीडियो देखते रहना लास्ट तक देखना। अभी एक कावड़ सज के हो गई है तैयार, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। बोले शंकर भगवान की। तो भोले जी आप कावड़ उठा के चल चुके हैं, और आज दिन बता दीजिए क्या दिन है? आज है 15 तारीख। अच्छा आज जल उठा लिया आपने, कहाँ तक जाओगे भोले? हम चरखी दादरी जाएंगे भोले, हरियाणा में। चरखी दादरी? हाँ, जोजू कला। ये कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? चरखी दादरी से पड़ता है 15 किलोमीटर दूर। 15 किलोमीटर दूर? चरखी दादरी कहाँ पे? 400 किलोमीटर। भोले बड़ी लंबी यात्रा हो जाएगी आपकी। तो भोले ये कौन सी कावड़ है आपकी? झूला कावड़? अच्छा झूला कावड़ है। तो सबसे पहले भोले की कावड़ के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए सबसे पहले महादेव के दर्शन करें, और देखिए भोलो ने बहुत बढ़िया तरीके से सजाई है, और ऊपर लगा रखा है श्री राम भगवान जी का झंडा। ये देखिए भोले कावड़ कितने में सजाई यहाँ पे? ये भोले लगभग 1000 रुपये लग गई कावड़। एक कावड़ में 1000 रुपये में कम्प्लीट हो गई? तो सस्ती पड़ गई भोले। नहीं 1000 रुपये बाकी है इसकी। अच्छा और भी सजावट करोगे? आगे करेंगे। अच्छा आगे तो भोले कौन से नंबर की कावड़ है? इससे पहले भी लेकर आए आप? अच्छा कितने कितने भोले हैं साथ में? अच्छा तीन भोले हैं। ये भोले इनका नाम, इनका नाम क्या है? जयदीप भोला। अच्छा आप कहाँ के? ये भी साथ में ही है, एक ही जगह के है क्या? चरखी दादरी के सारे के सारे। तो दोस्तों को देख सकते हैं भोले जो है, आप कौन सी कावड़ है आपकी? ये कावड़ है। अच्छा इसमें कितने लीटर जल है? 32। अरे वाह भोले, और महाकाल के कपड़े में लपेट लिया गंगा जल को, और भोले जो है चल दिए हैं हरिद्वार से। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जो है भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। और भोले जी कोई मनोकामना से आ रहे हैं कैसे? नहीं भोले, बस भोले खुशी में, भोले की मर्जी, खुशी में। भोले की मर्जी में? भोला खुश रहे इसलिए ले जा रहे क्या भोलेनाथ की? अच्छा मैंने सुना कि जो हरियाणा के हैं, हरियाणा के आदमी जो है भोले की बहुत भक्ति करते हैं। बिल्कुल, दिल से भक्ति करते हैं। तो दिल से ऐसा क्यों? हमारे मन में भोला, हमारे तन में भोला। तो भोले जैसे भोलेनाथ कितनी भक्ति करते हैं? भोलेनाथ ने कुछ दिया भी है नहीं? ऐसे ही सब कुछ दे रखा है भोले ने। अच्छा उसका सिर पे हाथ रहेगा तो और भी आगे मिलता रहेगा। जैसे क्या कोई आज तक कोई चमत्कार करा हो भोलेनाथ ने,
कुछ ऐसा हुआ? सब कुछ चमत्कार, रात को सपने में आगे बोले कहा था कि चल कर सुबह चलना है। सच में? सच में आगे कहता है गंगा चल रही रखा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सपने में आके? सपने में आके क्या बोला था? बोला बोला चल सुबह उठ के चलना है। भाई कहते मेरे पास पैसे नहीं तो पैसे भी आ गए फिर। अच्छा बिल्कुल बोले हकीकत बात। वाह बोले, ये तो चमत्कार हो गया आपके साथ में, बहुत अच्छा। बिल्कुल बोले, यानी कि भोले ने आज सपने में आए थे? सपने में आए मेरे 13 तारीख को। 13 तारीख को? हाँ, 14 को मैं चल दिया, तभी उठा लिया, तभी चल पड़े। तभी चल पड़ा। और ये तैयार कैसे हुए भोले? ये भोला पहले से तैयार थे। ये पहले से तैयार थे, आपकी प्लान नहीं थी? मेरा कुछ प्लान नहीं था। तो आप तो सीध हो गए। सीध हो गए हम। वाह भोले वाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। देख सकते हैं दोस्तों, भोलेनाथ ने खुद कहा सपने में आके जो है, चलो भक्त कावड़ लेने के लिए तैयार हो जाओ जल्दी। और देखिए, और बड़ी सुंदर कावड़ सजा रखी है भोले ने। हम तो यही चाहेंगे कि मनोकामना क्या लेके चले? कुछ मनोकामना नहीं, बस हमारे भोले के दर्शन हो गए वो काफ़ी है। हमारे घर परिवार खुश रहे बस। अच्छा घर परिवार खुश रहे, क्या करते हैं भोले? मैं कुछ नहीं, रंग पेंट का काम करता हूँ भोले। अच्छा, तो जैसे कितनी दूरी तय करोगे एक दिन में? अभी तो शायद रुड़की तक पहुँच जाएंगे इस रात को। हाँ जी हाँ जी, आज ही जल उठा, आज ही रुड़की पहुँचा। हाँ जी, ये तो 30-30, 40-40 किलोमीटर की यात्रा करोगे एक दिन में? हाँ बिल्कुल भोले। अच्छा बहुत बढ़िया बोले, इसका कुछ नियम भी है? नियम बहुत है बोले इसका। जैसे कि इसको नीचे नहीं रख सकते। और कुछ भी खाना होगा तो नहाएंगे, और ना के फिर चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। और इसके नीचे से कोई बंदा नहीं निकले, ना ही कोई दूसरा बंदा छू सकता इसको। अच्छा, ना तो दूसरा बंदा छू सकता, नहीं कोई नीचे से निकल सकता। खंडित जो बोला हमारे साथ होगा वही ले सकता इसको। अच्छा अच्छा, वही ले सकता है। और बोले ये बोलते हैं किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे नहीं रख सकते इसे? हाँ नहीं, उसमें भी खंडित हो जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ नियम है क्या? नहीं है बोले। अच्छा बढ़िया है बोले, आपको तो सारी मालूम। अभी जैसे वो शौचालय चले जाते हैं उसके बाद नहाना पड़ता है? नहीं क्या? उसके बाद नहीं, नहाने के बाद ही उठाएंगे ये सब करने जाते हैं तब। नहाना कुछ नहाने की दिक्कत नहीं, अगर दो नंबर जाएंगे ना तब नहाने की जरूरत है। चलो बोले, आपका ज़्यादा समय ले लिया क्योंकि बोले पानी भी भरेंगे अभी, और थोड़ा हाफ पानी की प्यास लग रही बोले को। हमने ज़्यादा कुछ समय ले लिया, कोई बात नहीं बोले। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय, बोल गंगे मैया की जय। बोले अभी से थक लिए? नहीं बोले नहीं थके अभी तो यात्रा शुरू नहीं, नहीं, नहीं मैं देख रहा था। अभी जोर से नहीं लगा रहे, मैं कुछ देख रहा था बोले। क्या देख रहे थे बोले? मैं रास्ता देख रहा था मेरा। अच्छा रास्ता देख रहे थे, रास्ता तो इधर से निकल के इधर से चले जाना हाईवे से, या फिर इधर से हाईवे पे नहीं जाना मेरे को। और मैं जाऊंगा ज्वालापुर, ज्वालापुर को होते हुए नहरों नहर सीधे। चलो ठीक है बोले जी, जय बोले की जय शंकर की, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे। हम यही प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। और बोले जी, भोलो को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ हाँ, देखो आपके पक्के चेले हैं। ठीक है बोले, उठा लो कावड़ अभी, अब पानी भरोगे अभी? चलो पानी भर लो बोले। ठीक है बोले जी, जय शंकर की, जय बोले की। मेरा यूट्यूब चैनल हरिओम यात्रा है बोले। ठीक है बोले, हरिओम यात्रा एक फ़ोटो तो खींच लो आपका। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, और थोड़ा जाप करते हुए जाना। कौन से मंत्र का? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ यही कह लेना, चाहे हर हर महादेव या बोलबम बोलबम बम बम के जयकारे करते हुए चले जाना। ठीक है बोले, सर्च कर लो।